फिल्मी दीवानों, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की जो अवार्ड्स की लिस्ट है, वो सब डिटेल्स मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो है, ये आप लोगों में से ही किसी एक के रिक्वेस्ट पर है, जिनका नाम है दिलोर हुसैन। चलिए शुरू करते हैं। तो अजय देवगन जो एक एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है, और अजय देवगन ने अपना फिल्मी करियर स्टार्ट किया था बॉलीवुड फिल्म फूल और कांटे से, जो आई थी 1991 में। तो अगर अवार्ड्स की बात करें तो अजय देवगन को अब तक उनके फिल्मी करियर में टोटल 125 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, और उनमें से अजय देवगन को टोटल 60 अवार्ड्स मिले थे, टोटल 60 अवार्ड्स मिले थे। तो चलिए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की डिटेल्स। तो मैं स्टार्ट करूंगा कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वन है नेशनल फिल्म अवार्ड्स। इस कैटेगरी में अजय देवगन को टोटल 2 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, और अजय देवगन ने दोनों अवार्ड्स जीते थे। अवार्ड नंबर 1 था जो मिला था 1998 में, और ये था बेस्ट एक्टर का अवार्ड, मूवी थी जख्म। अवार्ड नंबर 2 था 2002 में मिला था, और ये था बेस्ट एक्टर का, जो मूवी थी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी। ये कैटेगरी है फिल्म फेयर अवार्ड्स। इस कैटेगरी में टोटल अजय देवगन को उनके फिल्मी करियर में 14 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, और 14 में से टोटल 4 अवार्ड्स अजय देवगन ने जीते थे। अवार्ड नंबर 1 1991 में मिला था बेस्ट मेल डेब्यूट का, मूवी थी फूल और कांटे। अवार्ड नंबर 2 जो मिला था 2002 में बेस्ट एक्टर का, मूवी थी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अवार्ड नंबर 3 2002 में मिला था बेस्ट एक्टर का, मूवी थी कंपनी। और अवार्ड नंबर 4 2002 में मिला था बेस्ट परफॉर्मेंस इन नेगेटिव रोल का, और मूवी थी दीवानगी। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी में। ये कैटेगरी है बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स। इस कैटेगरी में टोटल 2 अवार्ड्स मिले थे। अवार्ड नंबर 1 था जो मिला था 1998 में बेस्ट एक्टर का, मूवी थी जख्म। और अवार्ड नंबर 2 था जो मिला था 2002 में बेस्ट एक्टर का, मूवी थी द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। अब आते हैं फोर्थ कैटेगरी में, और ये कैटेगरी है प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड्स। इस कैटेगरी में टोटल 5 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, और उनमें से टोटल सिर्फ 1 अवार्ड मिला था, और वो मिला था 2009 में बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल, और मूवी थी ऑल द बेस्ट। अब आते हैं अवार्ड कैटेगरी नंबर 5। ये कैटेगरी है जी सिने अवार्ड्स। इस कैटेगरी में टोटल 10 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें से 1 अवार्ड मिला था, और वो मिला था 2002 में बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल, और मूवी थी दीवानगी। अब आते हैं अवार्ड्स कैटेगरी नंबर 6। ये कैटेगरी है स्टार डस्ट अवार्ड। इस कैटेगरी में टोटल 7 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, और उनमें से टोटल 4 अवार्ड्स मिले थे। अवार्ड नंबर 1 मिला था 2002 में स्टार ऑफ द ईयर, मूवी थी कंपनी। अवार्ड नंबर 2 बेस्ट एक्टर, ये मिला था 2009 में ऑल द बेस्ट को। अवार्ड नंबर 3 2010 में बेस्ट एक्टर का, और मूवी थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। अवार्ड नंबर 4 ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस, जो मिला था 2017 में मूवी शिवाय के लिए। अब आते हैं कैटेगरी नंबर 7। ये कैटेगरी है स्क्रीन अवार्ड्स। इस कैटेगरी में टोटल 6 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिनमें से टोटल 3 अवार्ड्स मिले थे। अवार्ड नंबर 1 था 1998 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड, मूवी थी जख्म। अवार्ड नंबर 2 2002 में मिला था बेस्ट एक्टर का अवार्ड, और मूवी थी कंपनी। और 2002 में एक और अवार्ड मिला था, यानी अवार्ड नंबर 3 बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल, और मूवी थी दीवानगी। और बाकी के जो अवार्ड्स की कैटेगरी है, वो कैटेगरी आ जाती है अदर अवार्ड्स में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त, और मेरे इस चैनल बॉली व्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।